एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अभी सीधे चलते हैं। पहले हंसी टीवी का एक न्यू वीडियो आया है, दी ओल्ड मैन समथिंग ऐसा करके टाइटल है। सो उस पर रिएक्शन देते हैं और फिर वीडियो देखने के बाद हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। देख रहे हैं हंसी टीवी। دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، وفي اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاء منها كل شيء. لما بلغ خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقع पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर, खास तौर पर अरब के अंदर इन बुजुर्ग की यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग नंगे पांव मस्जिद नबवी में इंतहाई सादा लिबास और मासूम चेहरे के साथ हसरत और दीवानगी से रोजा रसूल और इसके आसपास की चीजों को देख रहे हैं। इनकी शख्सियत ऐसी है कि न जाने क्यों इन्हें बार बार देखने को दिल करता है और इन्हें देख कर अजीब सा सुकून मिलता है। अरब मीडिया के मुताबिक हम लोगों ने आज तक अपने सहाबा कराम के लिबास और इनके हुलिये का सुनी रखा था कि वो ऐसे दिखते थे, इनका लिबास ऐसा था, मगर इन बुजुर्ग को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई सहाबी रसूल वक्त में सफ़र करके 1400 साल फ्यूचर के अंदर यानी आज के टाइम के अंदर पहुंचकर हैरानगी से अपने आसपास के दुनिया को देख रहा हो कि वक्त कितना बदल गया है, दुनिया कितनी बदल गई है। ये बड़े बड़े घरों, इमारतों और गाड़ियों को हैरत से देख रहे हैं कि अब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे दरमियान मौजूद नहीं, और इसी हसरत के अंदर वो रोज़े रसूल पर सलाम पेश कर रहे हों। इनके इसी मासूमियत और अट्रैक्शन को देखकर अरब मुल्कों के अंदर इनकी ये वीडियो इस कदर वायरल होने लगी। और दूसरा, ख़ास तौर पर इनका हुलिया और जिस्मानी तौर पर इनके अंदर वो तमाम निशानियाँ मौजूद हैं जो कि हज़रत अबू बकर सदीक के अंदर थी, और ये हज़रत अबू बकर सदीक की ज़िंदगी पर बनाए गए एक ड्रामा सीरीज़ के किरदार से काफ़ी मिलते जुलते हैं। या फिर ये इंसानी शक्ल के अंदर कोई फरिश्ता है जो कि रोज़े रसूल पर हाज़िरी देने के लिए आया हो, क्योंकि इनके चेहरे में एक अजीब सी कशिश और नूरानियत है, इन्हें बार बार देखने को दिल करता है। हालांकि इन्होंने कोई मॉडर्न लिबास नहीं पहना, इनका लिबास इंतहाई सादा है। अरब मीडिया के मुताबिक इन बुजुर्ग ने हमें अपने आबा अजदाद की याद ताज़ा करवा दी है, क्योंकि अरब के लोगों ने लिखा है कि इन बुजुर्ग की दाढ़ी, पगड़ी, असा, चादर लेने का अंदाज और सादगी ऐसी है जैसे ये बुजुर्ग सहाबा कराम के दौर से लौट कर वापस आए हों, और जाहिर है कि ऐसा मंजर देखकर वो जज्बाती हो जाते हैं। दरअसल इन बुजुर्ग का नाम है सिराज अहमद, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे केपीके के डिस्ट्रिक्ट लकी मुरवत से बताया जा रहा है, जहां पर ज़्यादातर पठान कबाइल रहते हैं और उनका लिबास मोस्टली ऐसा ही हुआ करता है। और जाहिर है कि इनके कबायली इलाकों के अंदर इतना ज़्यादा जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स मौजूद नहीं है, इसीलिए अपने आस पास इतनी हैरानगी से ये सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि इनके लिए तो ये बिल्कुल अलग ही दुनिया है। खैर, इनका ताल्लुक जिस भी इलाके से हो, ये मुसलमान हैं जिनके आपस के अंदर कोई बॉर्डर मौजूद नहीं है। बेशक इन बुजुर्गों में कशिश तो ज़रूर मौजूद है, मगर सहाबा कराम का तो अपना अलग ही मकाम है, वो तो बहुत बड़ी हस्तियाँ थी जिन्हें आज के इंसानों के साथ तो बिल्कुल नहीं मिला जा सकता। और अगर ये ट्रेंड बन गया और लोगों ने किसी भी शख्स के हुलिये से इसे सहाबा कराम से मिलाना शुरू कर दिया, तो शोहरत के भूखे लोग बिल्कुल वही हुलिया बनाकर मस्जिदुल हराम या रोज़े रसूल पर आपको फ़ोटोशूट कराते नज़र आएंगे। लिहाजा इस तरह के ट्रेंड को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सहाबा कराम का बिल्कुल अलग मकाम है। सही बात है। बाकी अगर आप इन बुजुर्ग के बारे में कुछ जानते हैं या फिर अपनी कीमती राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम, मुझे लगता है कि हमारी कौम को इबादत और किसी भी चीज़ से पहले अखलाकियात और शऊर की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग अल्लाह के घर के अंदर जाकर भी ऐसी हरकतें करते हैं जिनका इससे पहले किसी ने तसव्वुर नहीं किया होता। सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियोस के अंदर ये देखा जा सकता है कि खास तौर पर पाकिस्तानी लोग जब भी किसी शख्स को मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी के अंदर कुछ भी बांटते हुए देखते हैं तो इन पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे अपने मुल्क में आटे पर, यानी बिल्कुल इखलाकियात और तहजीब को भूल जाते हैं। और इस वीडियो के अंदर ये देखा जा सकता है कि एक शख्स जो कि पठान है, मस्जिदुल हराम के अंदर कुरान पाक को बांट रहा है और लोग इसे लूटने के लिए इन कुरान पाक को इससे ऐसे खींचते हैं कि ये कुरान ज़मीन पर जा गिरते हैं। और ये शख्स सिवाय मना करने के और कुछ भी नहीं कर पाता। क्या फ़ायदा ऐसे हज उमरे का जब आपने अदब ही नहीं सीखा। इसी तरह से कोई भी सामान बांटते हुए लोग इस पर टूट पड़ते हैं।
भाई दोनों चीजें अलग अलग बिल्कुल है इसी तरह से एक टिकटॉक कि वीडियो हज के अंदर ये देखा जा और सकता है उमरा कि एक कपल जो कि ये सारी पाकिस्तानी चीजें है और मस्जिद उल हराम इसकी के बाहर जिंदगी अपनी को बेगम लेकर के साथ जो कि शादी के सुर्ख लिबास दिली के अंदर मत है लो आप उसकी नमाज अदा करके वीडियो बनवा रहा है ताकि सोशल मीडिया पर इसको पोस्ट करके कुछ लाइक्स और व्यूज को हासिल कर सके। यानी लोगों की इबादत आजकल सिर्फ दिखावा बनकर जाया हो रही है, मगर इन लोगों को गर्ज है तो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी शोहरत से या कुछ लाइक से। ऐसे लोगों को डिपोर्ट करके हमेशा के लिए सऊदी अरब आने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। इसके अलावा मस्जिद नबवी से भी इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि लोग रियाजुल जन्ना के अंदर जो कि रसूलुल्लाह के मुताबिक ज़मीन पर मौजूद जन्नत का टुकड़ा है और यहाँ पर एक नमाज पढ़ने का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है। कुछ खुश नसीब लोग ही यहाँ पर जाकर इबादत कर पाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी लोग बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन खोलकर ऐसे बैठे हैं कि इन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं। और सबसे शर्म की बात यह है कि पाकिस्तानी यहाँ पर भी रियाजुल जन्ना की दीवारों पर अपने नाम और अपने मोबाइल नंबर लिख रहे हैं। जियो पाकिस्तानी शेरा, नाम रोशन कर रहे हैं साढ़े पूरे मुल्क दा। आहा, और इधर भी चेक करें, ये आपको सब उर्दू जुबान के अंदर नमूनों के नाम लिखे हुए नजर आएंगे। ये रियाजुल जन्ना है जो कि दुनिया में जन्नत का एक टुकड़ा है। हम लोग वहाँ भी खराफा से बाज नहीं आते। साहिब को रोकने के लिए जब मैंने अपना बंदा भेजा तो ये भाई साहब उल्टा हमारे ऊपर हंस रहे थे। क्या बोल रहे ये लोग? अपने ही मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं कि दुनिया हमें याद रखे कि हम किस कदर जाहिल लोग हैं, और ये हम मोहर लगाकर जा रहे हैं सबूत के लिए। ऐसे लोगों को हज उमरा पर जाने से पहले बकायदा इनकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए जिसके अंदर एथिक्स भी शामिल हो, यानी किसी जगह पर जाने के आदाब और इस जगह की अहमियत क्या है ये सब इसके अंदर शामिल हो। और अगर तब भी ये लोग बाज ना आए तो सख्ती से इनकी शनाख्त करके इन्हें हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया जाए। बेशक ये बात तो अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन यार जिस तरीके के हालात है और लोग आई डोंट नो कि क्या कर रहे हैं यार, बताओ वहाँ जा कर के नाम नंबर लिख रहे हो, हज में जा रहे हो, उम्रे में जा रहे हो, जहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी आखरत को बेहतर बनाने के लिए जाते हैं, हज करने जा रहे हो, उम्रा करने जा रहे हो, और वहाँ जा कर के ये वाहियात पर क्या है यार ये सब। और फिर वो जो एक वीडियो में आपने वो वाला जो देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वो बहु उस तरीके से कुछ जिस तरीके से उनकी मूवी में बताया गया है वेब सीरीज में उस तरीके का कुछ लुक रखे हुए। सो एनीवे फिर उन्होंने क्लियर भी कर दिया भाई ने कि ये पाकिस्तान के शख्स हैं और ये इस तरीके से पठान है, वहाँ पर इतना कुछ है नई चीज़ है जिस वजह से ये बहुत गौर से हर चीज़ों को देख रहे हैं। सो आई होप कि आप लोग भी समझे होंगे इस वीडियो को, और इस मैं समझता था इस चीज़ को इनको नहीं रखना था जो कि वो जो शख्स गए उम्रे के लिए वहाँ पर वो वीडियो नहीं रखना था उतना क्लिप में। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना